बैंक निफ्टी की एनालिसिस मंडे के लिए, क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी किधर जाएगा, कैसा होगा, क्या होगा, सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले एक आध दो कुछ क्वेरीज आई हैं, उनको पहले मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। पहली क्वेरीज, सर वो ग्रुप ज्वाइन करना है क्या है हमें, लाइव एनालिसिस वाला हमें सीखने का है कि आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कैसे बताते हो, क्या समझते हो, आपके ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो अगर किसी को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक आपको मिलेगा लाइव मार्केट एनालिसिस ग्रुप का। यहाँ पर जाकर आप 3000 पे कर हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। सेकंड, किसी ने पूछा था कि सर आप सिखाते भी हो, आप मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई कोर्स है आपका, तो जी हाँ, उसके लिए भी आप ये जो पेज है पेमेंट पेज, उसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया होगा, वो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए। जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है सीखने के रिलेटेड, ग्रुप के रिलेटेड, सारे ही उसमें कवर कर लिए जाएंगे। और एक चीज़ और, कुछ कुछ फ्री में ऐड कर रहा हूँ लोगों को, मतलब जिनका मेरे को मैसेज आता है, और अगर स्लॉट्स उस टाइम अवेलेबल होते हैं ग्रुप के अंदर, जगह रहती है, क्योंकि एक ग्रुप में 250 से ज़्यादा मेंबर्स ऐड नहीं कर सकते, तो अगर उसमें जगह रहती है तो मैं कुछ फ्री जो यूज़र्स हैं उनको भी ऐड कर रहा हूँ। तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर लीजिए, उस टाइम अगर फ्री रहा तो मैं आपको एटलीस्ट 1 वीक का एक्सेस दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल जैसा हमने डिस्कस किया था, निफ्टी बैंक निफ्टी बैंग ऑन, कट कॉपी पेस्ट, हमारा जो पुराना डायलॉग था CCP, कट कॉपी पेस्ट, सेम वैसा ही होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी में क्या बोला था, 960 सपोर्ट जोन है, 920 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पर एक बार बाइंग अटेम्प्ट कीजिएगा, 50 60 100 पॉइंट आपको मूव मिलेगा। निफ्टी ने आज हाई लगाया 18030 के आसपास, वहाँ पे मिला। बैंक निफ्टी में क्या कहा था, अगर 40,000 41,300 टू 600 नो ट्रेडिंग जोन है, अगर 41,300 ब्रेक होगा आपकी बार 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, छोटा नहीं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन पहला टारगेट जो आपका होगा वो 41,000 और फिर 40,800, उससे कम टारगेट के लिए काम मत कीजिएगा। इजीली बैंक निफ्टी में भी आपने 400 पॉइंट अर्न किए, निफ्टी में आपने 50 60 100 पॉइंट अर्न किए होंगे। एनालिसिस पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अब बात करते हैं कल की, मंडे की। मंडे के लिए एक लेवल, एक मार्क कर लीजिए आपके चार्ट के ऊपर, वो है थर्सडे का लो, थर्सडे का सॉरी थर्सडे का नहीं, वेनसडे का लो, जो हमारे को एक ब्रेकआउट कैंडल मिली थी, ये जो हमारा बजट डे के ऊपर जो कैंडल ने क्लोज दिया था, ब्रेकआउट कैंडल मिली थी, उसका लो सस्टेन होना चाहिए। अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है अगेन, यहाँ पर हमारा ट्रेंड क्या हुआ था, पॉजिटिव हुआ था निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ था, निफ्टी में हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, एक क्लियर ब्रेकआउट फेल का सिग्नल होगा और फिर मार्केट इन लोस की तरफ आने की कोशिश करेगा। डेटा में कुछ और दिख रहा है, डेटा में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज डेटा भी है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। इन लोस की तरफ आने की कोशिश करेगा, कंडीशन एक ही है कि आपका जो वेनसडे का लो है उसके नीचे मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, वरना अगर आपको मंडे को गैप अप या गैप डाउन, स्लाइटली गैप डाउन मिलता है, तो गैप अप नहीं गैप डाउन अगर मिलता है, अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आज का लो या तो आप वेनसडे के कैंडल का जो लो है उसे एज अ लो मानकर आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका, अगर आप पोजिशनल थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हो, तो वो आपका इस कैंडल के ऊपर जो आपका थर्सडे का कैंडल है 18,130 जो हमारा रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रेक करेगा और उसके ऊपर जाके कहीं ना कहीं क्लोज करने का आपका टारगेट होगा। यानी नीचे के बाजू आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा कितना, 60 70 पॉइंट का, और आपका ऊपर के बाजू टारगेट कितना होगा, करीब करीब 200 पॉइंट का। तो ये आपका ट्रेड निफ्टी के लिए बन सकता है, कंडीशन कि गैप डाउन खुले और मतलब फ्लैट टू नेगेटिव खुले, और उसके बाद आपका जो वेनसडे का लो है वो सस्टेन होना चाहिए मार्केट के अंदर। सेकेंड कंडीशन, थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, विक्स अगर आप देखोगे ना लास्ट 2 दिन में, अगर मैं आपको विक्स का चार्ट दिखाऊं, देखिए लास्ट 2 दिन में क्या हुआ विक्स के अंदर, लास्ट 2 दिन से विक्स गिर रहा है भाई, मार्केट गिर रहा है, विक्स क्यों गिर रहा है, पहले क्या हो रहा था मार्केट बढ़ रहा है विक्स बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है मार्केट गिर रहा है विक्स गिर रहा, मतलब वॉलेटिलिटी खुद कंफ्यूज हो रखी है कि मुझे करना क्या चाहिए। यूजुअली होना क्या चाहिए, मार्केट बढ़े तब विक्स गिरे, मार्केट गिरे तब विक्स बढ़े। आज हालांकि क्लोज ऑन क्लोज बेसिस 1.5% है, लेकिन उतना कोई शार्प विक्स में राइज नहीं आया, तो अभी भी विक्स में राइज आने के चांसेस है। विक्स अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही है, और 52 वीक लो का जो सपोर्ट है उसी के आसपास विक्स काम कर रहा है, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा विक्स का। थोड़ा सा डिटेल में अभी हम चर्चा कर लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कंडीशन निकल के आ रही है चार्ट वाइज। 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें, मार्केट के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो, मुझे नहीं पता कि आज डाउ किधर क्लोज करेगा क्या करेगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है
और इन लोस के आसपास आकर एक भी आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है। कैसी कैंडल? एक ग्रीन पिन बार ऐसी कोई कैंडल मिलती है तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड, आप ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए, गैप डाउन खोले इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मतलब ये जोन में मैं कह रहा हूँ वो जोन है आपका 17,940 से लेके 17,880 का। ये 50-60 पॉइंट्स के जोन के अंदर 5 मिनट के चार्ट को ओपन कीजिएगा, या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको एक भी ऐसी कैंडल दिखती है, करेक्ट, एकदम ऐसी कैंडल अगर आपको एक भी दिखती है, उसी कैंडल के लो को एज अ स्टॉप लॉस रख के आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, सेकेंड टारगेट आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे ये, एंड थर्ड टारगेट आपका जो डे हाई है आज का वो आपका थर्ड टारगेट हो जाएगा। ये तीन टारगेट के लिए आप कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजिशन बना सकते हो। शॉर्ट साइड पर जाने के लिए अब मैं आपको डेटा पर डिस्कस करते हैं कि डेटा क्या शो कर रहा है। शॉर्ट अगर आपको करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी को, डेटा वाइज अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है कॉल राइटिंग का, वो है 18,000 के आसपास। तो 18,000 तो ये ब्रेक करने से रहा, लेकिन वही इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो 17,900 पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कहीं ना कहीं कंबाइंड है, मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ने, मतलब एक ही ने दोनों कॉल भी बेच दी पुट भी बेच दी और कहीं ना कहीं प्रीमियम खाने की सोच रहे। मंथली एक्सपायरी है, इतना इजी नहीं होना चाहिए प्रीमियम रीडिंग, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको एक बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। आइदर 17,800 ब्रेक करे तो आप सीधा 17,500 इसी वीक का मंथली एक्सपायरी होने के पहले पहले आप देखोगे, या अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करें तो आपको 18,200 18,300 इसी वीक में आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं एक बड़े बड़े मूव की वेट कर रहा हूँ। मार्केट ने बहुत दिन हो गया एक रेंज में ही मार्केट अटका हुआ है, रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो बड़ा मूव कब एक्सपेक्ट करूँगा? ऊपर की बाजू 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली मैं एक्सपेक्ट करना शुरू करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जिन्होंने भी स्ट्रैडल बनाया वो भी तकलीफ में आएंगे, प्लस 18,000 के जो कॉल राइडर है उनको भी हल्का हल्का डर लगना शुरू होगा। तो आपको 18,200 18,300 तक का मूव मिलना चाहिए। नीचे की बाजू जब 18,850 800 ब्रेक करे ना, उसके बाद आपको नीचे एक अच्छा मूव मिलेगा 17,500 तक का, सॉरी 17,800 ब्रेक करेगा तो 17,500 तक। क्यों? क्योंकि फिर पुट राइटर्स जितने भी है वो बैक फंड पे आ जाएंगे, 18,000 वाला भी डर जाएगा, 18,900 वाला जिसने स्ट्रैडल बनाया वो भी फंसेगा, 18,800 वाला भी फंसेगा, तब जाके आपको कहीं ना कहीं नीचे की बाजू एक अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिलेगा। बस डर एक ही है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉल राइटिंग बहुत हो रखी है, एक अगर आज डाउ रिवर्स कर जाता है और निफ्टी कल मंडे को 18,000 प्लस ओपन हो जाता है, उस केस में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18,900 पे भी कॉल राइडिंग हो रखी है, 9,15 पे भी हो रखी है, 17,900 17,950 पे भी हो रखी है और 18,000 पे भी हो रखी है। तो अगर 18,000 के ऊपर खुला और सस्टेन कर गया ना मार्केट, फिर आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फंस जाएंगे, ये बैक फुट पर आ जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आपको जो मेजर कॉल राइडिंग देखने को मिलेगी वो 18,300 के बाद ही देखने को मिलेगी, उसके पहले फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जो नेक्स्ट वीक इंटरेस्टिंग होगा देखना, थोड़ा सा बड़ा मूव आ सकता है नेक्स्ट वीक में। आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपायरी जो है मेरे मेरे व्यू के साथ एक्सपायरी आइदर आपको 17,200 एंड अबाउट देखने को मिलनी चाहिए, या जो आपकी एक्सपायरी है करीब करीब आपको 17,200 नहीं 18,200 एंड अबाउट आपको आती हुई देखने को मिलनी चाहिए, या तो फिर आपकी जो एक्सपायरी है वो आपको 17,800 या 700 एंड बिलो। तो ये करीब करीब 500 पॉइंट का जोन है, अभी हम एग्जैक्ट मिडल में है 17,900 के आसपास, 950 के आसपास, या तो एक्सपायरी 17,700 के नीचे या एक्सपायरी 18,200 के ऊपर, इसके बीच में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने स्ट्रैडल्स बना रखे हैं, तो उनके स्ट्रैडल्स को कहीं ना कहीं मार्केट लास्ट में ट्राई करेगा कि उनको ट्रैप करे किसी तरीके से। तो बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक क्लियर था हमारा, 2 लेवल हमने जो दे रखा था, आज पहली बार उस लेवल के नीचे 41,300 के नीचे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जाके क्लोज किया है। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी आप काम कर सकते हो, या इस जोन के आसपास जो जोन है आपका 40,900 के आसपास, इसके अंदर कहीं भी एक आपको ऐसा अगेन 5 मिनट के ऊपर ऐसा कैंडल मिलता है, उस कैंडल पे कहीं ना कहीं आप आपकी पोजीशन बनाने की सोच सकते हो उसी कैंडल के लो के साथ। ज़्यादा बड़ा लो नहीं रखना है, क्योंकि ओवरऑल पीसीआर रेशो वाइज भी निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो चुका है, लेकिन एक क्लियर ब्रेक डाउन बैंक निफ्टी ने दिया है, ब्रेक डाउन करके उसके नीचे ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने क्लोज भी किया है, तो ओवरऑल एक ब्रेक डाउन तो है,
लेकिन डेटा में थोड़ा सा ओवरसोल्ड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस आने के चांसेस है, तो वो बाउंस आप प्ले कर सकते हो अगर गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो, और नीचे कंटिन्यू कर सकता है इन लोस के आसपास, तभी बैंक निफ्टी एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा डेटा के अंदर दिख रहा है कि ओवरसोल्ड है, हालांकि विक्स अभी भी लेवल्स, विक्स के जो लेवल है वो अभी भी उतने अच्छे नहीं है जो होने चाहिए थे, तो वो भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है ट्रेडिंग के अंदर। बैंक निफ्टी में क्लियर रखेंगे, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कन्फ्यूजन रखे कोई फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी में सिंपल एक ही काम कीजिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर आप ध्यान दीजिए 41,000 एंड 41,500, बस इसी इसी लेवल्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अब जैसे हमारा वो 41,300 41,600 था, वैसा 41,000 और 41,500 हो जाएगा। 41,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगेन 40,500 तक का टारगेट, 41,500 के ऊपर सस्टेन करें 42,000 तक का टारगेट। ये 500 पॉइंट की रेंज में बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी, 41,000 के आसपास आए, एक 5 मिनट का आपको पिन बार या कोई ऐसा एक रिवर्सल कैंडल दिखे, उसी कैंडल के लो के साथ आप ट्राई कीजिए। अगर क्योंकि अगर उसको रेंज में ही रहना है तो वो वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और आपको आपका टारगेट मिल जाएगा 100-200 पॉइंट का। सेम अपसाइड रेजिस्टेंस के साइड पे आपको एक कैंडल मिले, उसी कैंडल के हाई को एज अ स्टॉप लॉस मान के आप काम कर सकते हो रेंज में जब तक मार्केट रहेगा तब। लेकिन मैं रेंज बड़ा होता हुआ देख रहा हूँ, अब इस मार्केट को मैं रेंज में नहीं देख रहा हूँ। आइदर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको 40,500 के नीचे मिलेगी या 42,000 के ऊपर मिलेगी। यहाँ से अब बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट के मूव के लिए रेडी हो रहा है, अगर ऊपर जाना है तो 42,000 के ऊपर ही एक्सपायर करेगा, और नीचे अगर एक्सपायरी करना है तो 40,500 के नीचे ही करना चाहिए एज़ पर माई एनालिसिस। गलत होने के चांसेस है, उसके लिए हम हमारा लाइव ग्रुप है, लाइव ग्रुप के अंदर मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको पोस्ट मार्केट दिखा रहा हूँ, एक हो गया और सेकंड जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन जब लाइव डेटा बन रहा होता है उस बेसिस के ऊपर जब ट्रेड लेना होता है, तो वो ट्रेड कैसे लिया जाता है, उसमें काम कैसे किया जाता है, तो वो लाइव में ही समझ में आता है, वो ऐसे समझ में नहीं आता। आज का केस की अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ, अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी यही हुआ। मॉर्निंग से मेरे को निफ्टी में कोई ट्रेड मिला ही नहीं, मैंने निफ्टी के अंदर जो मॉर्निंग का एक ट्रेड था वो आप चाहो तो ये वाला कर सकते थे जो हमने कल भी आपके साथ शेयर किया था, पहला 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल देखिएगा, ऐसा कैंडल अगर बनेगा तो एक आपको 1:2 1:3 का आप ट्रेड लेके चल सकते हो। उसके अलावा कोई ट्रेड निफ्टी ने अंदर बना ही नहीं। यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना, रिजेक्शन कैंडल बना, लेकिन नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल वहाँ पे पुल बैक आ गया, तो ये व्यू इनवैलिड हो गया गिरने वाला। अगेन यहाँ पर बहुत देर टाइम पास किया मार्केट ने, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, लेकिन उस टाइम तक बैंक निफ्टी एक अलग ही मूड में जा चुका था, 1.5% से ज़्यादा बैंक निफ्टी करेक्ट हो चुका था। ये वाला मूव हमने अवॉइड किया, लेकिन ये अच्छा हुआ अवॉइड किया, क्यों, क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल है, इसका अगर आप स्पाइक्स देखोगे तो बीच में बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आए थे, तो समझो किसी ने यहाँ पर भी अगर पुट ऑप्शन खरीदा होता, वो अगर ट्रेल भी कर रहा है या उसका स्टॉप लॉस इधर भी रखा है ना, इस स्पाइक के अंदर कहीं ना कहीं उसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी उस टाइम तक गिर रही थी, वॉलेटिलिटी इतनी थी नहीं, टाइम डीके हो रहा था। और फ्राइडे को यूजुअली ऑप्शन बाइंग के अंदर मेरे को ज़्यादा मज़ा आता भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई रहते हैं, मोमेंटम बहुत बड़ा आया तो जाके कहीं ना कहीं आप 100-150 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर कमा सकते हो, वरना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फ्राइडेज को आई यूजुअली अवॉइड, लेकिन हाँ ठीक ठाक देर था, ऐसा नहीं कि कुछ करने जैसा ही नहीं था। देखते हैं मंडे को क्या होगा, बाकी लाइव ग्रुप तो है ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।